साथ लगते गांधीनगर वार्ड नंबर 2 के करीब आप देख रहे हैं कि 2 बजे के आसपास खड़ी गेहूं की फसल में बिजली की तारों से चिंगारी निकलने की वजह से आग लग गई है। किसान मोहन सिंह को काबुल लगभग 6 एकड़ फसल राख में बदल गई है। किसानों का कहना है कि बिजली लगभग कई बार सूचित किया गया है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस मौके पर बिजली के विभाग का कर्मचारी भी नहीं फरा। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया लेकिन अभी तक आसपास के लोगों को मिलकर आग को काबू पा लिया गया है। आसपास की बहुत सी फसल नुकसान भी हो गया। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट पे बस। मेरा नाम बलिहार सिंह है जी। अच्छा, किदा लगी आग? ये आग जी बिजली दे शॉर्ट दी वजह नाल लगी है जी। ये पिछले साल भी लगी थी। अच्छा जी, यही बिजली वाले ने पिछले साल भी दरखास्त दी थी, ऐरका भी दी है, बिजली वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे इस बार। फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड नु मैं फोन किया है, वो भी नहीं आए। जो अग को अपना गांव वाले ने आके बुझा ली है, पिंड वाले ने, उस तो बाद आके फायर ब्रिगेड का फोन आया है जी, अस आईए हूं तुम की लैन आना है, हूं तो काम हो ही गया जो होना है सारा। अच्छा, बिजली महकमे का कोई अधिकारी आया? बिजली महकमे आलियां नु पिछले साल तो सूचित करते हैं भी इन्होंने तारा जेडियां कसो, इन्हों अपना अग पिछले साल भी लगी थी, ऐरक भी लगी है, 2 साल हो गए जी लगातार अग लग रही है। अच्छा जी, ਮਾੜੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਏਕੜ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖ ਲੋ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁਣ 4-5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੈਂਡਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ।